जिनसे हर एक गेंदबाज डर रहा है। अमूमन दिनेश कार्तिक आते आखिर के ओवरों में 8, 9, 10, 12, 15 गेंदे खेलते हैं और इन 10, 12 गेंदों में ही ऐसा आतंक मचाते हैं, ऐसा बवाल काटते हैं कि बॉलर्स उनको स्ट्राइक पर देखने के बाद ही कप्तान से जाकर कहते होंगे, भैया मैं गेंदबाजी नहीं करूंगा। कार्तिक ने केकेआर के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही किया, मात्र 8 गेंदों की उनकी पारी रही और इस 8 गेंदों में उन्होंने 20 रन बनाए, 3 छक्के उन्होंने लगाए, आंद्रे रसल को उन्होंने 2 छक्के लगाए और 25 करोड़ी गेंदबाज को अंतिम ओवर में जो उन्होंने छक्का लगाया उसे देखने के बाद तो क्राउड चिल्लाने लगे डीके डीके, और मैदान पर विराट कोहली भी झूमते नजर आए, विराट कोहली भी अपने आप को रोक नहीं पाए। दिनेश कार्तिक की बात करें तो आईपीएल 2024 उनका बेहद शानदार जा रहा है। पहले मुकाबले की बात करें तो जो आईपीएल का पहला ही मुकाबला था सीएसके के खिलाफ, उस मुकाबले में दिनेश कार्तिक ने 26 गेंदों का सामना किया, 38 रन नाबाद लौटे, 2 छक्का उन्होंने उस पारी में लगाए थे। उसके बाद जो दूसरा मुकाबला आरसीबी ने खेला पंजाब किंग्स के खिलाफ, उस मुकाबले में भी उन्होंने मात्र 10 गेंदों में 18 रन बनाए, 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की थी, 2 छक्का उन्होंने उस मैच में भी लगाया था और इस मुकाबले में, यानी आरसीबी के मैच नंबर 3 और आईपीएल 2024 का मैच नंबर 10 केकेआर के खिलाफ भी उन्होंने 2 छक्के की मदद से लगा दिए 8 गेंदों में 20 रन। इन 3 मुकाबलों में सिर्फ एक बार दिनेश कार्तिक आउट हुए हैं, पहले 2 मुकाबले में नाबाद लौटे थे और तीसरे मैच में यानी केकेआर के खिलाफ रनआउट का वो शिकार हुए हैं। लेकिन दिनेश कार्तिक मैदान पर कुछ करे और उनकी पत्नी, पूर्व पत्नी, पहली पत्नी ट्रोल ना हो, ऐसा भी भला कहां होता दिख रहा था। दिनेश कार्तिक जैसे जैसे छक्के लगा रहे थे, दिनेश कार्तिक जैसे जैसे शॉट्स लगा रहे थे, सोशल मीडिया पर उनकी पहली पत्नी ट्रोल हो रही थी, सोशल मीडिया पर उनकी पहली पत्नी लोग कमेंट कर रहे थे। तो दिनेश कार्तिक को लेकर लगातार लोग ये सवाल करते हैं कि दिनेश कार्तिक फुल टाइम कमेंटेटर है और पार्ट टाइम क्रिकेटर है। अब आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्या T20 वर्ल्ड कप 2024 में आप दिनेश कार्तिक द फुल टाइम कमेंटेटर एंड पार्ट टाइम क्रिकेटर को देखना चाहेंगे। इस बारे में आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें। थैंक यू सो मच। 39 साल के दिनेश कार्तिक ने मैदान पर काटा ऐसा बवाल, क्राउड चिल्लाने लगे डीके डीके और फिर झूमते दिखे किंग कोहली। आईपीएल 2024 का मैच नंबर 10 खेला जा रहा है चिन्नस्वामी स्टेडियम में आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में, और इस मुकाबले में दिनेश कार्तिक ने एक बार फिर करारा तमाचा लगाया है उन आलोचकों को जो लगातार उनको लेकर ये कह रहे थे कि दिनेश कार्तिक फुल टाइम कमेंटेटर और पार्ट टाइम क्रिकेटर है। अगर दिनेश कार्तिक फुल टाइम कमेंटेटर और पार्ट टाइम क्रिकेटर है तो भैया ऐसे फुल टाइम कमेंटेटर और पार्ट टाइम क्रिकेटरों की जरूरत तो टीम इंडिया को भी है। दिनेश कार्तिक वो नाम बनकर उभर रहे हैं आईपीएल 2024 में जिनसे हर एक गेंदबाज डर रहा है। अमूमन दिनेश कार्तिक आते आखिर के ओवरों में 8, 9, 10, 12, 15 गेंदे खेलते हैं और इन 10, 12 गेंदों में ही ऐसा आतंक मचाते हैं, ऐसा बवाल काटते हैं कि बॉलर्स उनको स्ट्राइक पर देखने के बाद ही कप्तान से जाकर कहते होंगे, भैया मैं गेंदबाजी नहीं करूंगा। दिनेश कार्तिक ने केकेआर के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही किया, मात्र 8 गेंदों की उनकी पारी रही और इस 8 गेंदों में उन्होंने 20 रन बनाए, 3 छक्के उन्होंने लगाए, आंद्रे रसल को उन्होंने 2 छक्के लगाए और 25 करोड़ी गेंदबाज को अंतिम ओवर में जो उन्होंने छक्का लगाया उसे देखने के बाद तो क्राउड चिल्लाने लगे डीके डीके, और मैदान पर विराट कोहली भी झूमते नजर आए, विराट कोहली भी अपने आप को रोक नहीं पाए। दिनेश कार्तिक की बात करें तो आईपीएल 2024 उनका बेहद शानदार जा रहा है। पहले मुकाबले की बात करें तो जो आईपीएल का पहला ही मुकाबला था सीएसके के खिलाफ, उस मुकाबले में दिनेश कार्तिक ने 26 गेंदों का सामना किया, 38 रन नाबाद लौटे, 2 छक्का उन्होंने उस पारी में लगाए थे। उसके बाद जो दूसरा मुकाबला आरसीबी ने खेला पंजाब किंग्स के खिलाफ, उस मुकाबले में भी उन्होंने मात्र 10 गेंदों में 18 रन बनाए, 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की थी, 2 छक्का उन्होंने उस मैच में भी लगाया था और इस मुकाबले में, यानी आरसीबी के मैच नंबर 3 और आईपीएल 2024 का मैच नंबर 10
केकेआर के खिलाफ भी उन्होंने दो छक्के की मदद से लगा दिए 8 गेंदों में 20 रन। इन 3 मुकाबलों में सिर्फ 1 बार दिनेश कार्तिक आउट हुए हैं। पहले 2 मुकाबले में नाबाद लौटे थे और तीसरे मैच में यानी केकेआर के खिलाफ रनआउट का वो शिकार हुए हैं। लेकिन दिनेश कार्तिक मैदान पर कुछ करे और उनकी पत्नी, पूर्व पत्नी, पहली पत्नी ट्रोल ना हो, ऐसा भी भला कहां होता दिख रहा था। दिनेश कार्तिक जैसे जैसे छक्के लगा रहे थे, दिनेश कार्तिक जैसे जैसे शॉट्स लगा रहे थे, सोशल मीडिया पर उनकी पहली पत्नी ट्रोल हो रही थी, सोशल मीडिया पर उनकी पहली पत्नी को लेकर लोग कमेंट कर रहे थे। तो दिनेश कार्तिक को लेकर लगातार लोग ये सवाल करते हैं कि दिनेश कार्तिक फुल टाइम कमेंटेटर है और पार्ट टाइम क्रिकेटर है। अब आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्या T20 वर्ल्ड कप 2024 में आप दिनेश कार्तिक द फुल टाइम कमेंटेटर एंड पार्ट टाइम क्रिकेटर को देखना चाहेंगे। इस बारे में आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें। थैंक यू सो मच। 39 साल के दिनेश कार्तिक ने मैदान पर काटा ऐसा बवाल, क्राउड चिल्लाने लगे डीके डीके और फिर झूमते दिखे किंग कोहली। आईपीएल 2024 का मैच नंबर 10 खेला जा रहा है चिन्नस्वामी स्टेडियम में आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में, और इस मुकाबले में दिनेश कार्तिक ने एक बार फिर करारा तमाचा लगाया है उन आलोचकों को जो लगातार उनको लेकर ये कह रहे थे कि दिनेश कार्तिक फुल टाइम कमेंटेटर और पार्ट टाइम क्रिकेटर है। अगर दिनेश कार्तिक फुल टाइम कमेंटेटर और पार्ट टाइम क्रिकेटर है तो भैया ऐसे फुल टाइम कमेंटेटर और पार्ट टाइम क्रिकेटरों की जरूरत तो टीम इंडिया को भी है। दिनेश कार्तिक वो नाम बनकर उभर रहे हैं आईपीएल 2024 में जिनसे हर एक गेंदबाज डर रहा है। अमूमन दिनेश कार्तिक आखिर के ओवरों में 8, 9, 10, 12, 15 गेंदे खेलते हैं और इन 10-12 गेंदों में ही ऐसा आतंक मचाते हैं, ऐसा बवाल काटते हैं कि बॉलर्स उनको स्ट्राइक पर देखने के बाद ही कप्तान से जाकर कहते होंगे भैया मैं गेंदबाजी नहीं करूंगा। दिनेश कार्तिक ने केकेआर के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही किया, मात्र 8 गेंदों की उनकी पारी रही और इस 8 गेंदों में उन्होंने 20 रन बनाए, 3 छक्के उन्होंने लगाए, आंद्रे रसल को उन्होंने 2 छक्के लगाए और 25 करोड़ी गेंदबाज को अंतिम ओवर में जो उन्होंने छक्का लगाया उसे देखने के बाद तो क्राउड चिल्लाने लगे डीके डीके और मैदान पर विराट कोहली भी झूमते नजर आए, विराट कोहली भी अपने आप को रोक नहीं पाए। दिनेश कार्तिक की बात करें तो आईपीएल 2024 उनका बेहद शानदार जा रहा है। पहले मुकाबले की बात करें तो जो आईपीएल का पहला ही मुकाबला था सीएसके के खिलाफ, उस मुकाबले में दिनेश कार्तिक ने 26 गेंदों का सामना किया, 38 रन नाबाद लौटे, 2 छक्का उन्होंने उस पारी में लगाए थे। उसके बाद जो दूसरा मुकाबला आरसीबी ने खेला पंजाब किंग्स के खिलाफ, उस मुकाबले में भी उन्होंने मात्र 10 गेंदों में 18 रन बनाए, 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की थी, 2 छक्का उन्होंने उस मैच में भी लगाया था और इस मुकाबले में यानी आरसीबी के मैच नंबर 3 और आईपीएल 2024 का मैच नंबर 10 केकेआर के खिलाफ भी उन्होंने 2 छक्के की मदद से लगा दिए 8 गेंदों में 20 रन। इन 3 मुकाबलों में सिर्फ 1 बार दिनेश कार्तिक आउट हुए हैं। पहले 2 मुकाबले में नाबाद लौटे थे और तीसरे मैच में यानी केकेआर के खिलाफ रनआउट का वो शिकार हुए हैं। लेकिन दिनेश कार्तिक मैदान पर कुछ करे और उनकी पत्नी, पूर्व पत्नी, पहली पत्नी ट्रोल ना हो, ऐसा भी भला कहां होता दिख रहा था। दिनेश कार्तिक जैसे जैसे छक्के लगा रहे थे, दिनेश कार्तिक जैसे जैसे शॉट्स लगा रहे थे, सोशल मीडिया पर उनकी पहली पत्नी ट्रोल हो रही थी, सोशल मीडिया पर उनकी पहली पत्नी को लेकर लोग कमेंट कर रहे थे। तो दिनेश कार्तिक को लेकर लगातार लोग ये सवाल करते हैं कि दिनेश कार्तिक फुल टाइम कमेंटेटर है और पार्ट टाइम क्रिकेटर है। अब आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्या T20 वर्ल्ड कप 2024 में आप दिनेश कार्तिक द फुल टाइम कमेंटेटर एंड पार्ट टाइम क्रिकेटर को देखना चाहेंगे। इस बारे में आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें। थैंक यू सो मच। 39 साल के दिनेश कार्तिक ने मैदान पर काटा ऐसा बवाल, क्राउड चिल्लाने लगे डीके डीके और फिर झूमते दिखे किंग कोहली। आईपीएल 2024 का मैच नंबर 10 खेला जा रहा है चिन्नस्वामी स्टेडियम में
आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में, और इस मुकाबले में दिनेश कार्तिक ने एक बार फिर करारा तमाचा लगाया है उन आलोचकों को जो लगातार उनको लेकर ये कह रहे थे कि दिनेश कार्तिक फुल टाइम कमेंटेटर और पार्ट टाइम क्रिकेटर है। अगर दिनेश कार्तिक फुल टाइम कमेंटेटर और पार्ट टाइम क्रिकेटर है तो भैया ऐसे फुल टाइम कमेंटेटर और पार्ट टाइम क्रिकेटरों की जरूरत तो टीम इंडिया को भी है। दिनेश कार्तिक वो नाम बनकर उभर रहे हैं आईपीएल 2024 में, जिनसे हर एक गेंदबाज डर रहा है। अमूमन दिनेश कार्तिक आते आखिर के ओवरों 8, 9, 10, 12, 15 गेंदे खेलते हैं और इन 10-12 गेंदों में ही ऐसा आतंक मचाते हैं, ऐसा बवाल काटते हैं कि बॉलर्स उनको स्ट्राइक पर देखने के बाद ही कप्तान से जाकर कहते होंगे भैया मैं गेंदबाजी नहीं करूंगा। दिनेश कार्तिक ने केकेआर के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही किया, मात्र 8 गेंदों की उनकी पारी रही और इस 8 गेंदों में उन्होंने 20 रन बनाए, 3 छक्के उन्होंने लगाए, आंद्रे रसल को उन्होंने 2 छक्के लगाए और 25 करोड़ी गेंदबाज को अंतिम ओवर में जो उन्होंने छक्का लगाया उसे देखने के बाद तो क्राउड चिल्लाने लगे डीके डीके, और मैदान पर विराट कोहली भी झूमते नजर आए, विराट कोहली भी अपने आप को रोक नहीं पाए। दिनेश कार्तिक की बात करें तो आईपीएल 2024 उनका बेहद शानदार जा रहा है। पहले मुकाबले की बात करें तो जो आईपीएल का पहला ही मुकाबला था सीएसके के खिलाफ, उस मुकाबले में दिनेश कार्तिक ने 26 गेंदों का सामना किया, 38 रन नाबाद लौटे, 2 छक्का उन्होंने उस पारी में लगाए थे। उसके बाद जो दूसरा मुकाबला आरसीबी ने खेला पंजाब किंग्स के खिलाफ, उस मुकाबले में भी उन्होंने मात्र 10 गेंदों में 18 रन बनाए, 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की थी, 2 छक्का उन्होंने उस